of Europe, that we will join hands together from all different parts of the state of India to give the helping hands to AIPTF. With this word, I thank you. Thank you to all, everyone. Thank you. बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। वी वांट जस्टिस। वी वांट जस्टिस। बोलो भारत माता की जय। इंडिया जिंदाबाद। इंडिया जस्टिस। इंडिया आया बापू आया महासचिव। ओ भैया इधर क्या है? क्या सब जा रही है? सभी शिक्षक वृंद, आज हम जिस मुद्दे के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये भारत सरकार की जो नई पेंशन योजना है, इसके खिलाफ हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं ये जो पूर्ववत योजना थी वो सरकार चालू रखे। आज ये मुहिम शुरू की है भाई रामपाल सिंह जी के द्वारा, उसमें हमारा संगठन ये है कि जो कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करने को तैयार है। इस सरकार को हम हमारे शक्ति के द्वारा, संगठन शक्ति के द्वारा ये बता देना चाहते हैं कि आज जो धरने की जो जगह थी वो भी इन्होंने बदल दी है, लेकिन अगर यही दशा रही और हमारी बात नहीं मानी तो हम एक दिन उसको भी बदल देंगे। इसलिए इस सरकार को अच्छी तरीके से ये जान लेना चाहिए कि संपूर्ण भारत में शिक्षक वर्ग एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा वर्ग है। शिक्षक एकता जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद। तो सभी शिक्षक भाइयों से मेरा यही कहना है कि हम सब अगर एक हैं, जो कोई ऐसी ताकत इस दुनिया में नहीं है जो हमारे संघर्ष को विफल कर सके, हमारी मांगों को नहीं माने, चाहे वो कोई भी सरकार क्यों नहीं हो। तो ये मान के चलिए कि जो आज हमारे चर्चा हो और सरकार को झुकना पड़े हमारी बात को मानने के लिए। आज ये जो एनपीएस स्कीम जो है वो गवर्नमेंट की सभी वर्ग पे लागू हो रही है, ताकि शिक्षक शिक्षक ही इसके लिए प्रभावित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक सामाजिक माहौल तैयार करना पड़ेगा, हमें सभी साथियों को साथ लेना पड़ेगा, जितने भी जो सरकारी वर्ग के कर्मचारी है उन सबको साथ रखना पड़ेगा और इस तरह का एक सोशल मीडिया पे आप प्रचार प्रसार कीजिए ताकि सरकार को झुकना पड़े और शिक्षक वर्ग को कम से कम इतना प्रभावशाली है सरकार को बदलने में। हमारे राजस्थान में अक्सर जब भी सरकार बदली है शिक्षकों की नाराजगी के कारण से बदली है, इसलिए उन्हें ये सरकार जो विकास के लेवल की है अगर शिक्षकों की बात नहीं सुनेगी तो वो भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह की सरकार को हम खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि वो जो हमारी मांगों को पूरी करे, हमारी जो पुरानी जो स्कीम है उसको लागू करे, जो सातवां वेतन आयोग जो हमने लागू किया है वो बहुत सारे राज्य हैं जो अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं तो उनको जल्दी से जल्द लागू करने का निर्णय करें। इस तरह की मैं रामपाल जी
भाई रामपाल जी को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा संगठन उनके साथ जिस भी तरह की हमारे शिक्षक वर्ग की जो समस्या है उनके साथ कांग्रेस के कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। जय हिंद जय भारत। जनरल सेक्रेटरी और मीडिया फेडरेशन ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर अपने व्यस्त काम के अनुसार अपने सिर्फ समय निकाल कर शिक्षकों को